माल रोड का सत्यानाश। बढ़िया भाई साहब आ रहे हैं, अगर माल रोड ऑफ रोडिंग के मज़े लेने हैं तो इधर आ जाइए भाई साहब। यह है रेलवे स्टेशन देहरादून का सुबह के वक्त, और इससे थोड़ा सा आगे चलकर आप यहाँ से रेलवे स्टेशन देहरादून से आगे थोड़ा सा चलेंगे पैदल पैदल, ये आगे आपको यहाँ आ जाएगा मसूरी बस अड्डा। यह है मसूरी बस अड्डा, सुबह के टाइम पे खाली मिलता है, और अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी 6-7 बजे की। अभी मसूरी के लिए बहुत सारी बसें मिल जाती हैं यहाँ से, और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक 6:30 बजे हमारी बस चल पड़ी मसूरी के लिए देहरादून से, मसूरी बस अड्डा देहरादून से मसूरी के लिए बस चल पड़ी, और यहाँ के बोर्ड लगे हैं साइन बोर्ड कि आपका कितना रास्ता कहाँ पर है। तो ये है इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून की एक फेमस जगह, और इधर है ये दुम्नू हॉस्पिटल जो आपको दाएं हाथ पे दिख रहा है, अभी बड़ा वो बना है ये। और ये आ गया हमारा देहरादून का घंटाघर। दिन में बड़ी गाड़ियों का यहाँ से अलाउड नहीं है, सिर्फ कार वगैरह जा सकती है, नहीं तो दूसरे रास्ते जाना पर जो काफ़ी लंबा पड़ता है। देहरादून कवर करके पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ गए हम, और ये काफ़ी यहाँ पे घुमावदार रास्ते हैं, अगर आपको पहाड़ों पर आने की पहले से आदत ना हो तो कृपया अपने साथ कोई दवाई लेते आए। ऊपर है ये शिव मंदिर का पिछला हिस्सा था, ये काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। यह है यहाँ का शिव मंदिर जहाँ पे मुफ्त प्रसाद मिलता है, यहाँ पे कुछ आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। और ये तिब्बती, और ये हमारी बस के लोग, और बस चल पड़ रही है ऊपर की तरफ, और हम भी थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा। इस तरह अभी सुबह का टाइम है इसलिए काफ़ी खाली है, दिन में तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, और जब सीजन होता है तो बहुत ही ज़्यादा। ये सुबह का कितना प्यारा सीन दिखता है, और ये सामने से मसूरी दिखाई दे रही है, ये मसूरी के नज़ारे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप पहुंच गया हूँ मैं मसूरी, इससे पहले मैंने दिखाया था उनसे इधर मसूरी आने का, तो वहाँ से मिल जाती है कमटी फॉल के लिए डायरेक्ट बस, जो जिसमें लिखा हुआ था परूला, तो यहाँ से भी खड़ी हुई है पीछे बस है। यह है गढ़वाल मंडल विकास निगम की बस है, ये कैंपटी फॉल जाती है, तो ये 9 बजे से शुरू होती है यहाँ पे बस, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ही एक इकोनॉमिकल किफ़ायती पैकेज बनाना है। तो भाई हम आए थे देहरादून से यहाँ पे 80 रुपये तो लिए इसके टिकट के, तो कंडक्टर साहब ने हमें 80 रुपये में से हमने उनको 500 का नोट दिया, तो उन्होंने 20 रुपये में वापस नहीं दिए, तो 100 रुपये पड़ गए हमें आने के। तो ये दूसरी बात है, खुले पैसे ज़रूर लाएँ, नहीं तो आपके पैसे ऐसे ही जाएंगे। फिर मसूरी आके आप यहाँ गढ़वाल विकास निगम की बस से कैंपटी फॉल जा सकते हो, और इसका टिकट है यहाँ से 60 रुपये के करीब। सुबह सुबह आने का बहुत फ़ायदा रहता है, एक तो रश नहीं मिलता है ज़्यादा, आराम से आपको जगह मिल जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं रहने का मिलेगा तो एक वो देख लेते हैं, कोई रहने की अच्छी सी जगह मिल जाए सस्ती, अच्छी से मतलब सस्ती भी और अच्छी भी हो, मसूरी में तो काफ़ी महंगा बोलते हैं, लेकिन देखें ढूंढते हैं कुछ। यह है कि मसूरी का इलाका, यहाँ से टैक्सी स्टैंड से इधर रेस्टोरेंट छोटे छोटे बहुत किफ़ायती दामों के रेस्टोरेंट हैं इधर। और ये है गढ़वाल विकास निगम का, यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको बस टिकट, यहाँ से मिलेंगे, बस नीचे खड़ी हुई है। आर्ट दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लगा हुआ बोर्ड कौन कौन सी जगह यहाँ पे देखने वाली हैं, इसमें से एक है कंपनी बाग, कैंपटी फॉल, मॉल रोड, कैमल बैक रोड, झूला घर, पिक्चर प्लेस, और इधर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये खूबसूरत वादी मसूरी से नीचे ये घाटी है यहाँ पे, और इधर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और उसी के पास है गुरुद्वारा। इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में है धर्मशाला, ये सिर्फ फैमिली के लिए है, आप अकेले नहीं आ सकते हो, दोस्तों के साथ नहीं आ सकते हो, और यहाँ के रेट बहुत ही कम है। और ये है इनका
600 रुपये पर डे, 500, 600, 800 तक का है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फैमिली के लिए है, यहीं बस अड्डे के सामने ही है ये धर्मशाला। इस समय है ऑफ सीजन, मार्च का महीना चल रहा है, तो इसलिए रूम मिल भी जाएंगे। अभी मार्च के बाद भी मुश्किल होता है और रूम मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने में ये एक रेस्टोरेंट छोटा सा, अपने किफ़ायती, उसमें एक परोंठा खाते हैं। आ गया भैया हमारा परोंठा दाल के साथ मात्र 30 रुपये में। ये है मसूरी लाइब्रेरी, पीछे खड़े हैं गांधी जी, यहाँ बैठने के लिए उसके पीछे गुरुद्वारा, और वहीं पर एक यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट। ये गुरुद्वारा और उसके पीछे यहाँ का सबसे पुराना होटल प्रिंस होटल, ये माल रोड जाती है इधर ऊपर घूमने की जगह। ये सुबह सुबह धूप का आनंद लेते हैं हमारे भाई, मस्त धूप सेक रहे हैं सुबह की, विटामिन डी। अब इधर खुदी हुई है पूरी माल रोड की, रोड ही खोद दी गई है, तो यहाँ पे चल रहा है काम। ये कहाँ तक हो सकता है देखिए, थोड़ा आगे जाके अब दोबारा आना पड़ेगा। कहाँ तक है ये, कहाँ तक है? आगे तक। कितने आगे तक है? दो किलोमीटर तो खोद रखा है। ये भाई साहब आ रहे हैं, अगर माउंट रोड पे ऑफ रोडिंग के मजे लेने हैं तो इधर आ जाइए भाई साहब। और यहीं लाइब्रेरी के पास में हमें होटल मिल गया, बहुत सस्ता था ये होटल, ग्रीन व्यू ऐसी जगह पे है। इस गली में चल के सामने मिल गया होटल, तो ये सबसे किफ़ायती मसूरी में। तो यहाँ मैनेजर साहब, तो यहाँ मिल गया हमें होटल, तो कितना क्या क्या किराया है यहाँ पर? किराया तो हमारा 700 से स्टार्टिंग, मिनिमम रात 700 है, ऑफ सीजन का है तो इसलिए तो रेट कम है। कम मिल गया 600 में है ना, इससे नीचे तो कहीं भी नहीं मिलेगा? नहीं, इससे नीचे तो कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना, मिनिमम रेट है ये। तो चलो धन्यवाद, और इन्होंने एक और चीज़ का इंतजाम कर दिया हमारे लिए, एक स्कूटी। तो आ गई हो? हाँ, स्कूटी वाले से। तो भाई आ गए अपनी स्कूटी, और इस स्कूटी पे घूमेंगे अब। और ये भैया हमें, मंदीप भैया ले गया है स्कूटी को। भाई कितना किराया ले रहे हो? 500 रुपये। 500 रुपये, ठीक है, तेल हम डलवाएंगे और ठीक है। भैया हमारा किफ़ायती रूम, डबल बेड है, 600 रुपये, और अंदर ही टॉयलेट है, पंखा भी लगा है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, और एक बल्ब लगा हुआ भैया यहाँ पे, एक मेज रखी हुई है, और चाय आ गई, और चाय सिर्फ 20 रुपये में कमरे पे लेके आए हैं, तो बहुत किफ़ायती। तो अब चाय पीने के बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, और कल को स्कूटी में कहाँ कहाँ घूमते हैं वो देखेंगे कल के ब्लॉग में, तो बने रहिए, कल जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।